तो आज हम आप लोगों के लिए एक स्पीकर लेके आए हैं MZ A005। तो आज हम इस स्पीकर में जानेंगे कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है और इसकी अपीयरेंस और इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसकी जो ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी है और बैटरी लाइफ कैसी है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस बॉक्स पे नजर डालें तो आपको यहाँ पे स्पीकर में वेरिएशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ब्लू कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर और यहाँ पे ग्रे कलर और यहाँ पे ग्रीन कलर में देखने को मिलता है। ये पांच रंग का आपको स्पीकर देखने को मिलता है। और यहाँ पे दूसरी ओर देखेंगे तो यहाँ पे आपको रेडियो की कनेक्टिविटी और SD कार्ड और उसके बाद वायरलेस और USB और ऑक्स केबल, इन सारी चीजों की कनेक्टिविटी इस स्पीकर में आपको देखने को मिलती है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ इसकी फीचर्स मेंशन की गई है जिसमें आपको इस स्पीकर में लाइट की सुविधा और इसके बाद यहाँ पे जो बटन्स दिखाई गई हैं ये सारी चीज की बेनिफिट्स आपको देखने को मिलती है। तो चलिए इस बॉक्स को हम ओपन करके देख लेते हैं। तो इस स्पीकर को ओपन करने पे आपको इसके अंदर ये स्पीकर देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पे आपको ये ब्लू कलर में देखने को मिलता है। तो इसकी आप क्वालिटी देख सकते हैं, सामने की तरफ मेटल लगाया गया है और उसके साइड में आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलता है। और यहाँ पे इसकी जो बटन दी गई है ये काफी अच्छा प्लास्टिक मटेरियल से बनाई गई है जिसको आपको बटन को प्रेस करने में जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। और सामने की तरफ MZ नाम का यहाँ पे आपको लोगो देखने को मिलता है और दो साइड में यहाँ पे रेडिएटर देखने को मिलता है और यहाँ पे एक ये कैरी बैंड देखने को मिलता है। और इसके आप पीछे की साइड नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पे USB देखने को मिलता है और यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट और इसके बाद यहाँ पे मेमोरी लगाने का ऑप्शन दिखता है। उसके नीचे LED इंडिकेटर देखने को मिलता है। इसकी हम कलर और अपीयरेंस की बात करें तो ये काफी ज्यादा अच्छा और हैंडी स्पीकर है। इसका वेट काफी ज्यादा तो नहीं है, इसका वेट हल्का ही है। और चलिए इसको हम ऑन करके देख लेते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। वेलकम टू MZ म्यूजिक वर्ल्ड, ब्लूटूथ मोड। तो ऑन करने पे इसका कुछ इस तरह से साउंड आता है और यहाँ पे आपको बल्ब भी देखने को मिलता है जो काफी अच्छा जल रहा है। काफी ज्यादा इसका लाइट तो नहीं है लेकिन आप इसको नाइट में प्ले करेंगे तो ये काफी अच्छा हो सकता है रिस्पॉन्स करे। तो यहाँ पे हम इसकी LED बल्ब को बंद कर देते हैं और इसमें कुछ साउंड प्ले करके सुनाते हैं कि इसका साउंड किस तरह से निकल कर आता है। तो चलिए इस स्पीकर को हम अपने टैबलेट से कनेक्ट करके देख लेते हैं इसमें साउंड। तो ये हमारे टैबलेट से कनेक्ट हो चुका है। चलिए हम कुछ म्यूजिक प्ले करके आपको सुनाते हैं। तो हम यहाँ पे सॉन्ग सर्च कर लेते हैं, न्यू सॉन्ग, फिर उसके बाद आपको कोई म्यूजिक प्ले करके सुनाते हैं। तो यहाँ पे ये ऊपर एक सॉन्ग आ गया है, चलिए इसी को प्ले करते हैं। तो चलिए हम इसका बेस टेस्ट कर लेते हैं, इसमें कुछ बीट्स वाला साउंड प्ले करते हैं तो देखते हैं किस तरह से साउंड आता है। आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से बेस को प्रोड्यूस कर रहा है और कितना अच्छा बीट क्रिएट कर रहा है। तो इस छोटे से स्पीकर से हमने इतना तो एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन ये काफी ज्यादा अच्छा रिस्पांस कर रहा है। हमारे पास एक और स्पीकर है जो कि यहाँ पे ब्लैक कलर में है, दोनों सेम कंपनी के स्पीकर हैं। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इन दोनों को बाय कर सकते हैं। ये आपको मार्केट में 350 से लेकर 300 रुपए तक देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।